हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किन मेजर से हम अपने बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रोक सकते हैं। 6 महीने तक बच्चे को खाली माँ का दूध ही दीजिए, माँ के दूध की आयरन की बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। 6 मंथ्स पे जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो आयरन रिच फूड दीजिए, जिसमें मिलेट्स में रागी हो गया, आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, होल व्हीट हो गया, और एज अ स्वीटनर आप जैगरी, गुड़ या डेट्स पाउडर यूज़ करते हैं। साथ में विटामिन सी रिच फूड्स भी दीजिए, उससे आयरन की बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। ग्रीन वाली मूंग दाल या चना या होल व्हीट को स्प्राउट करके दीजिए, इससे इसका फाइटेट कंटेंट कम हो जाता है और बेटर आयरन एब्जॉर्प्शन होती है। डोंट इंट्रोड्यूस काउस मिल्क बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चों में आंत में से खून रिसाव करता रहता है, स्लोली HP कम हो जाता है। दूसरा, आयरन कंटेंट कम होने से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। डोंट गिव टी एंड कॉफी टू चिल्ड्रन। कुकिंग ट्रेडिशनल वे से आयरन के यूटेंसिल्स में कीजिए। 1 साल के बाद बच्चों को रेगुलरली डीवर्मिंग कीजिए, हर 6-6 महीने के बाद, क्योंकि वर्म्स होने से भी, जो वर्म्स रहती हैं अगर पेट में, तो वो कंटिन्यूसली जो भी न्यूट्रिशन बच्चे के ब्लड में जाती है वो वर्म्स ही खा जाती हैं। 5 से 6 महीने पे डॉक्टर को कंसल्ट करके आयरन डेफिशिएंसी के लिए पता कीजिए, अगर है तो करेक्ट डोजिंग से आयरन दीजिए। थैंक यू।